नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजेंद्र राजपूत। आप देख रहे हैं बीबीएम न्यूज़। स्वागत आपका फरीदाबाद टाइम्स में। रुक करेंगे फरीदाबाद और पलवल की तमाम खबरों के लिए। और फरीदाबाद सेक्टर 17 अपने निवासीय घर के पास कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने करीब 700 मीटर टूटी पड़ी हुई लंबी सड़क का उद्घाटन किया, जो कि 80 लाख रुपये की लागत से RMC सड़क बनकर 2 माह में तैयार हो जाएगी। इस दौरान मंत्री ने मशीन के ऊपर नारियल तोड़कर सड़क बनवाने के कार्य का प्रारंभ भी किया। इस बीच मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि उन्होंने विधायक बनने के बाद पत्रकार वार्ता कर कहा था कि फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में वह मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर उनकी विधानसभा में सड़क, सीवर, बिजली, पानी, मिट्टी जैसी समस्याओं का मुद्दा रहा तो वह चुनाव में नहीं उतरेंगे, जिस पर वह आज भी अटल हैं। जिसके तहत विधानसभा में 90% मूलभूत सुविधाओं का कार्य पूरा हो चुका है और समय रहते हुए बाकी कार्य भी पूरा करवा दिया जाएगा। वासियों ने और प्रधान जी ने मिलकर किया है, तो ये 80 लाख रुपए की लागत से हम इस सड़क को बनाने जा रहे हैं और अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर सड़क बनकर तैयार। कहा था बिजली पानी सड़क की अगर समस्या मेरे विधानसभा में रहेगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और उसमें आज भी कायम हूँ। और 90% से ज़्यादा सड़कें मेरे विधानसभा के अंदर बन चुकी हैं, जो 2-4-5-10% रह रही है उन पर भी रेगुलर काम चल रहा है और जल्दी हम उन्हें पूरा